नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पिछले दो महीने से एलएसी पर जारी गतिरोध अब चरम पर पहुंच गया है। भारत के 20 जवान शहीद होने के बाद तो पानी सिर से उतरता दिख रहा है। हालांकि चीन ने भी अपने 43 सैनिकों को इस झड़प में खो दिया है। हालत यह है कि दोनों ही तरफ हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। भारी नुकसान उठाने के बाद भी चीन लगभग शांत दिख रहा है, मगर एक तरह से यह उसकी चालबाजी ही नजर आती है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी भारत पर वार करने के लिए उचित मौके की तलाश में है, यानी चीन हर हाल में पलटवार जरूर करेगा। भारत द्वारा तीनों सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखना इसका बड़ा संकेत है। एक प्रकार से दोनों ही तरफ से छलमात का खेल शुरू हो चुका है। पहला प्रहार किधर से और किस तरह का होगा, इसका अनुमान लगाने का दौर चल निकला है। पर इसी टेंशन के बीच आई एक बड़ी खबर ने चीन की टेंशन बढ़ा दी है। अमेरिका ने प्रशांत महासागर में नौसेना के 3 लड़ाकू विमान भाग जहाज तैनात कर दिए हैं। यह सब कुछ गलवान घाटी में इंडियन आर्मी और पीएलए के संघर्ष के बाद हुआ है। चीन इससे न केवल बुरी तरह बौखला गया है, बल्कि उसने कहा है कि यह तैनाती किसी बड़ी घटना के जवाब में की गई है। यानी चीन समझ रहा है कि अमेरिका भारत को बैकअप देने के लिए मैदान में आ गया है। अगर भारत और चीन के बीच स्थिति बिगड़ती है तो अमेरिका दक्षिणी चीन सागर में उसके सैनिकों के लिए खतरा बन सकता है। चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिकी जहाज इतने करीब है कि वे कभी भी दक्षिणी चीन सागर में घुस सकते हैं। ये तीनों एयरक्राफ्ट वाहक जहाज अमेरिका के मशहूर न्यूक्लियर कैरियर स्ट्राइक का हिस्सा है। परंतु चीन की टेंशन यहीं पर खत्म नहीं होती है। उसे ऑस्ट्रेलिया ने भी बड़ा झटका दिया है। वह खुलकर भारत के पक्ष में आ गया है। ऑस्ट्रेलिया के राजदूत ने कहा कि चीन को अपनी विस्तारवादी सोच को बदलना ही होगा। भारत ऑस्ट्रेलिया सीमाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन चीन ऐसा नहीं कर रहा है। चीन और भारत का मित्र कहे जाने वाले रूस ने तो एक ही झटके में चीन से किनारा कर लिया है। सरहद पर चल रही टेंशन के बीच भारत को रूस का साथ मिल गया है। रूस ने चीन के साथ सीमा पर जारी टकराव के बीच भारत को उसके प्रयासों में अपना समर्थन का आश्वासन दिया है। यानी इस वक्त चीन की हालत कान में कीड़े पड़े उस कुकुर जैसी है जो दीवारों पर सिर पटक कर दर्द से छुटकारा पाना चाहता है, मगर वह केवल भारत के शिकंजे में ही नहीं फंसा है, अपितु चीन का इकोनॉमिक हब का रुतबा भी धराशायी होने जा रहा है। चीन को रणनीतिक, कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर भी परास्त करने का पावर गेम शुरू हो चुका है। इसके लिए दुनिया के ताकतवर मुल्क एक सूत्र में बन चुके हैं, जो जल्दी ही कुछ बड़े ऐलान करने जा रहे हैं। यकीनन उनसे चीन का बैंड बजना स्वाभाविक है। इजराइल ने एक बार फिर से अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया है। वे पर्दे के पीछे से भारत की भरपूर सहायता कर रहा है। इस देश की मित्रता को भारत कभी भी नहीं भुला सकेगा। इजराइल ने किन्हीं भी परिस्थितियों में भारत को निर्बाध आपूर्ति का भरोसा दिया है, साथ ही खुफिया जानकारियां साझा करने की गति को बढ़ा दिया है। यानी चीन की घेराबंदी का जो खाका पीएम मोदी ने तैयार किया है, उसमें चीन या तो कसम उठा रहा है या फिर बुरी तरह से बौखला रहा है, और शायद भारत यही चाहता है, क्योंकि चीन बौखलाहट में भारत पर पलटवार जरूर करेगा, जिसके लिए भारत उसे दंड देने की मजबूत रणनीति तैयार कर चुका है। वैसे भी साम्यवादी बुद्धि अपने गुस्से का प्रदर्शन करने की बजाय छल के साथ वार करती है, इसलिए चीन के हावभाव इसका बड़ा संकेत दे रहे हैं। कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि इसकी शुरुआत भारत की ओर से हो सकती है, मगर ऐसा तभी होगा अगर चीन अपनी हठधर्मिता से बाज नहीं आता है। इसमें संदेह नहीं होना चाहिए कि चीन हद से अधिक डरा हुआ है। उसके डर की वजह केवल भारत ही नहीं, अमेरिका भी है। ग्लोबल टाइम्स में छपे एक लेख में उसने अपने इस डर को प्रकट भी कर दिया है। चीन का आरोप है कि भारत को अमेरिका का बैकअप मिला हुआ है। अमेरिका की सह पर ही भारत इतना दिकाक्रामक हुआ है, लेकिन इस बात का चीन के पास कोई जवाब नहीं है कि एलएसी पर अतिक्रमण करके पहल उसके द्वारा ही की गई है। भारत का दायित्व है कि वह अपनी संप्रभुता और अखंडता की सुरक्षा करे। इसके लिए बातचीत अपनी जगह है, जबकि रणनीतिक तैयारियां अपनी जगह है। इससे चीन का वो गुमान भी ध्वस्त हो गया जो खुद के सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहा था। कमाल की बात यह है कि दुनिया में चीन का मजाक उड़ाया जा रहा है। दुनिया कहने लगी है चीन अब नेपाल और पाकिस्तान जैसे छुचंदर देशों के बल पर भारत को डराने की कोशिश कर रहा है। पीएम मोदी ने चीन को आर्थिक चोट देने की शुरुआत करके चीन की छटपटाट और बढ़ा दी है। चीन में 600 कंपनियां तो ऐसी हैं जो भारत के भरोसे ही चल रही है। यह कंपनियां दिवाली के उत्पाद और देवी देवताओं की तस्वीरें बनाती है।
जिसका सबसे बड़ा बाजार भारत है, अब इन चीनी कंपनियों पर ताला पड़ने जा रहा है। चीन द्वारा तैयार मोबाइल एप्लीकेशन का भारत एक बड़ा बाजार है। इनमें शेयरइट, हेलो यूसी ब्राउजर और टिकटॉक जैसे 52 ऐप को भारत से रिटायर करने पर तैयारियां चल रही है। साथ ही चीनी कंपनियों पर नकेल कसने के लिए उनके साथ हुए करार को रद्द करने की पहल भी हो चुकी है। आज ही आई ताजा सूचना के अनुसार मोदी सरकार ने चीन से आयातित सामानों पर ड्यूटी बढ़ाने का फैसला कर लिया है। सरकार इसको 100 से 150% तक बढ़ा सकती है, जिससे चीनी प्रोडक्ट अगर आयात भी होते हैं तो वे इतने महंगे होंगे कि भारतीय उत्पाद के सामने नहीं टिक पाएंगे, यानी बॉयकॉट चाइना का बिगुल बज चुका है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।